नमस्ते दोस्तों, मधुरास में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम मिले हैं, आपको पता है कि अभी 15 अगस्त जो है, जो हमारा स्वतंत्र दिन है, वो अभी नज़दीक आ रहा है। और दोस्तों, मैं अपने स्कूल में जो है 15 अगस्त के लिए एक गाना जो है वो अपने बच्चों के साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा था, उनको मैं सिखा रहा था। और ये जो गीत है, ये गीत हमारे पहचान के एक शिक्षक है, एक शिक्षक थे जिन्होंने ये गीत लिखा था, और उनकी इच्छा थी कि ये जो गीत है उसको मैं स्वरबद्ध करूं और अपने बच्चों को मैं ये गीत सिखाऊं स्कूल में। तो जब मैं ये गीत सिखा रहा था, तो तभी मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये जो गीत है उसका एक ट्रैक बना के आप लोगों के साथ भी ये जो गीत है वो मैं साझा करूं। और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्होंने लिखा था, वो आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनका ये जो गीत है वो हमारे साथ है। तो ये जो गीत है उसे मैंने खुद उसको स्वरबद्ध किया है, उसको कॉम्पोजिशन मैंने किया है, और इसका हम आज म्यूज़िक ट्रैक हम बनाने वाले हैं। और दोस्तों, उसके लिए जो है, जो सॉफ्टवेयर का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो एबल्टन लाइव 11 है। तो चलो, हम अपना जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर जाके हम जो ट्रैक बनाने का जो काम है वो हम शुरू करते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, अभी हम जो हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है एबल्टन लाइव 11, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए। और जैसे कि इसका नाम है एबल्टन लाइव 11, तो लाइव का मतलब है जैसे हम कोई लाइव परफॉर्मेंस करते हैं तो उसमें ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये मैंने जो अपना मिडी कीबोर्ड लिया था उसके साथ मुझे फ्री मिला है, इसका मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ। तो चलो, आज हम इसके ऊपर एक जो मेरा सॉन्ग है उसका हम ट्रैक बनाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो ये जो स्क्रीन दिख रहे हैं, ये जो इंटरफेस है, इसमें दो तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, इसे लाइव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो कोई लाइव सॉन्ग हमें बजाना है तो हम ये जो है, इस तरह का जो इंटरफेस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो होता है, जिस तरह से हम ट्रैक बनाते हैं, मिडी ट्रैक बनाते हैं, तो कोई सॉन्ग के लिए अलग अलग ट्रैक बनाते हैं। तो ये दो तरह के इसमें आप देख सकते हैं व्यू है, एक लाइव के लिए और दूसरा जो है वो रेगुलर हमारा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है, हम यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग के लिए हमने एक मिडी ट्रैक का इस्तेमाल हम करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। और सबसे पहले जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सैंपल जो है, जो ड्रम्स के हैं या जो साउंड सैंपल होते हैं, ड्रम है, पियानो है, उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले जो है, जो हमारा मिडी का सबसे पहला जो ट्रैक है उसके ऊपर हम कुछ ड्रम हम देखने वाले हैं सबसे पहले। तो 606 ये एक सैंपल है, उसका हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर दोस्तों सैंपल हैं जो कि हमारे सॉन्ग के लिए, जो हमारा सॉन्ग है उसके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। तो उसके बाद ये 707 करके हैं, ये भी एक, ये अलग अलग तरह के दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सैंपल हैं ड्रम्स के। ये 707 है, ये 808 करके है, और ये जो है दोस्तों ये 909 है। ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, जो मेरा सॉन्ग है उसके लिए अच्छा है। तो इसमें यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 909। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चार तरह के सैंपल उसमें से आ गए 909 के। ये सबसे पहले वाला है, उसके बाद ये दूसरा वाला है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ये थर्ड है, और हम फोर की तरफ जाएंगे, जो आप देख सकते हैं ये फोर है। तो 909 में ये जो सबसे पहले वाला जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सेकंड वाला उतना खास नहीं है मुझे लगता है। तो एक बार हम सुन लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है 909, इसको हम यहाँ पर ट्रैक कर लेंगे। फर्स्ट जो मिडी ट्रैक है उसको हम पहले रिकॉर्डिंग के लिए ऑन कर लेंगे, और सबसे पहला जो सैंपल है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसको ट्रैक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने फर्स्ट सैंपल ले लिया है, उसको हम एक बार सुनते हैं। ये ठीक है, थोड़ा स्लो है, इसको हम इसका टेम्पो बढ़ा देंगे। दोस्तों, हम इसको जो है इसके और कॉपी और पेस्ट कर लेंगे कुछ सैंपल्स।
तो उसको हम कर लेते हैं सबसे पहले, एक बार सुन लेते हैं उससे पहले कि थोड़ा अभी इसका स्पीड बढ़ा लिया है मैंने, अब इसको हम इसके कॉपी बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि कॉपी कर लेंगे और ये पेस्ट कर लेते हैं। ये दो हो गया, तीन, चार, पांच, हमें सिर्फ पेस्ट करना है दोस्तों, जितने चाहिए उतने हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इतने मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए। एक बार हम इन सभी को एक साथ जोड़ के हमें एक छोटा सा ट्रैक मिल जाएगा और हम सुन सकेंगे कि ये जो ट्रैक का जो टेम्पो है या रिदम किस तरह से है। तो ये सब मैं आपस में एक बार जो है ये जो सैंपल है उसकी जो कॉपी मैंने की है अलग अलग, उसको हम एक बार ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और एक बार हम उसको सुनते हैं दोस्तों किस तरह से। दोस्तों ये बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, जो मैं सॉन्ग आज हम तैयार करने वाले हैं उसके लिए ये जो पैटर्न है वो बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। तो ये पहला जो है ये मिडी ट्रैक में जो सबसे पहले जो हम रिदम का जो पैटर्न है या जो उसके जो क्लिप होते हैं उसको हमने तैयार कर लिया है। अब दोस्तों हम जो दूसरा एक मिडी ट्रैक है उसको भी हम तैयार करते हैं। ये मैंने दूसरा मिडी ट्रैक ऑन कर लिया है और अब हम जाएंगे और जो सैंपल है, एक और सैंपल देखता हूँ जो कि खास तौर से दोस्तों मैं देखते हैं और कौन से सैंपल इसमें है, एक बार सुन लेते हैं। ये सभी ड्रम्स के हैं, मुझे पियानो या इस तरह की कुछ तो चाहिए अलग। हाँ ये एक सिंथ है दोस्तों, ये एक पियानो है, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाले देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर, उसका कॉपी बना लेता हूँ और उसका एक और कॉपी उसका बना लेंगे। बहुत ही बेहतर है दोस्तों, इसका ये सैंपल है उसका हम एक और कॉपी पेस्ट हम कर लेंगे ताकि थोड़े इसके लेंथ बढ़ जाए। इसको हम वापस जोड़ लेंगे आपस में। अब एक बार दोस्तों हम वापस सुनते हैं किस तरह से इसका। बहुत ही बेहतर दोस्तों, ये जो दोनों पैटर्न जो हैं सैंपल हैं वो मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। तो हमारा मिडी के दो ट्रैक हो गए हैं। अब तीसरा दोस्तों मुझे जो है वो पियानो के लिए इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो एक और मिडी ट्रैक मैंने तैयार कर लिया है रिकॉर्डिंग के लिए और दोस्तों यहाँ पर हम कुछ पियानो देखेंगे, कुछ मिलते हैं क्या हमें सैम्पलर में जाके हम देखते हैं कुछ पियानो या कुछ और हमें मिल जाए जो कि हमारे सॉन्ग के लिए बेस्ट हो। तो यह पियानो कीज है, क्लेव करके है, इलेक्ट्रिक पियानो के हैं कुछ सैंपल। दोस्तों ये ग्रैंड पियानो है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे सॉन्ग के लिए। उसमें दूसरा भी एक सैंपल है ग्रैंड पियानो का, वो भी हम सुनते हैं एक बार। ये दूसरा है ग्रैंड पियानो। तो दोस्तों फर्स्ट वाला जो ग्रैंड पियानो है उसका साउंड मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे सॉन्ग के लिए। तो दोस्तों इसके लिए जो है वो जो थर्ड मेरा जो मिडी ट्रैक है उसको हम एक बार उसके ऊपर हम उसको एक तरह से जो ट्रैक है उसके ऊपर हम जो है उसको एक तरह से ये जो मिडी के ऊपर हम ये बजाने वाले हैं। तो ये जो है ट्रैक के लिए मिडी कीबोर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने इस तरह से इसको अंडरलाइन एक तरह से कर लिया ट्रैक को, अब हम इसके ऊपर बजाने वाले हैं जो है। तो हम देखते हैं ग्रैंड पियानो में। तो दोस्तों ठीक है, मुझे लगता है एक बार बजाते हैं वापस। तारा रा 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 र
दोस्तों ये ठीक लग रहा है मुझे पियानो, और यहाँ पर हम अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोस्तों गड़बड़ हो गई वापस, एक बार और एक बार रिकॉर्ड करेंगे हम दोबारा उसको। ओके दोस्तों ये तो पीस रिकॉर्ड हो गया है, तो हमारे तीनों ट्रैक दोस्तों तैयार हैं। अब हम इसको जो बाकी जो फाइनल है वो हम अगले इसमें करेंगे। तो दोस्तों इसका मैं अभी पूरा ट्रैक तैयार कर लेता हूँ और फिर हम फाइनल के ऊपर हम जाके ये सुनने वाले हैं ये ट्रैक। तो दोस्तों हम आ गए हैं पूरे फाइनल ट्रैक के ऊपर, आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड तैयार है। तो दोस्तों अभी हम मिडल जो पार्ट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये जो ट्रैक है ये पूरी तरह से तैयार है, उसके ऊपर हम अब कुछ इफेक्ट डालेंगे और बीच में और कुछ थोड़ा बहुत इसमें इंप्रोवाइजेशन करके अब हम सीधे जो है इस सॉन्ग को हम रिकॉर्डिंग के लिए हम जाएंगे। तो रिकॉर्ड करेंगे अभी इसका जो फाइनल जो है जो हम रिकॉर्ड करके अभी आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो ये सॉन्ग है, आप बताइए। राष्ट्रध्वज हा छान आमुसा तीन रंगांचा, राष्ट्रध्वज हा छान आमुसा तीन रंगांचा, अशोक चक्र मध्यावरती शोभे परित्याचा, अशोक चक्र मध्यावरती शोभे परित्याचा, राष्ट्रध्वज हा छान आमुसा तीन रंगांचा, राष्ट्रध्वज हा छान आमुसा तीन रंगांचा। केशरी शोभे वरती झेंड्याचा आमुचा, रंग केशरी शोभे वरती झेंड्याचा आमुचा, धवल पांढरा मध्ये बरवा रंग तयाचा, धवल पांढरा मध्ये बरवा रंग तयाचा, पांढऱ्या खादी हिरवा रंग मन शांतीचा, पांढऱ्या खादी हिरवा रंग मन शांतीचा।
आमचा राष्ट्रध्वज हा छान आमचा तीन रंगांचा राष्ट्रध्वज हा छान आमचा